गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्योंकि होली पास है, अब ज़्यादा दिन नहीं रहे, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करूँगी मैं होली के जो स्टफ़ होते हैं। स्पेशली कांजी वड़ा बनता है एंड सूखे नाश्ते बनते हैं एंड नमकीन वगैरह थोड़ी बनती है, जो कि मैं हेल्दी वे में बनाने का ट्राई करूँगी। और अभी मैं लंच वगैरह प्रिपेयर करके और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके सब रख रही हूँ, ताकि मैं जो ये सारी प्रिपरेशन करूँ तो उसके बीच में मुझे फूड का काम, मतलब रेगुलर के खाने का काम ना रहे। और अभी आज मैंने कोकोनट वाटर भी पिया है एंड मैंने एस्कार्ड जूस पिया है। तो देखिए, इस टाइप का ये सफ़ेद पेठा आता है, ये देखिए। तो ये हमें डेली पीने से हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन ये पीने के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ और नहीं खाना पीना होता है। और आज से मैं जूस ले सकती हूँ, तो मेरा फेवरेट है ऑरेंज जूस, तो मैं ऑरेंज जूस लूँगी। तो फटाफट से मैं लंच और सब प्रिपरेशन कर देती हूँ, टिफ़िन वगैरह रेडी कर देती हूँ। उसके बाद जो है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी, मुझे ना फेस पे पिगमेंट स्टार्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं डेली सन बाथ के लिए जाती थी, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पिगमेंट दिख रहा है। और मैंने काफ़ी टाइम से क्लीनअप भी नहीं कराया, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी सबसे पहले होली की प्रिपरेशन कर लेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा स्किन केयर पे भी ध्यान देंगे। तो चलिए, जैसे होगा स्टेप बाय स्टेप मैं जो भी नाश्ता सूखा बनाऊंगी और कांजी वड़े की तैयारी करूंगी, छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हमारे यहाँ कांजी पहले से बना कर नहीं रखते हैं, हमारे यहाँ कांजी और वड़ा सेम डे बनता है। लाइक कांजी का पानी भी रेडी होता है और उसमें वड़े डाल देते हैं और वो 2-3 दिन उसको रखते हैं, वो खट्टा होता है। ऐसा नहीं करते कि 2-3 दिन कांजी वड़ा पानी बनाया और खट्टा किया और उसके बाद उसमें वड़े डाल ले, ऐसा नहीं होता। हम लोगों में दोनों चीज़ साथ में ही बनाया जाता है। तो चलिए प्रिपरेशन करते हैं। तो कांजी वड़ा की रेसिपी के लिए वड़े में ये देखिए कि पेस्ट इस टाइप से मैंने बनाया है, जिसमें मैंने 1 कप जितना मूंग लिया है और 1/2 कप जितना उड़द की दाल, जिसको भिगो के मैंने पेस्ट बना लिया था। और पानी कम से कम डालना है, आपका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, पानी एक्स्ट्रा ऊपर से नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी दाल जो सोक करती है वाटर, उससे ग्राइंड हो जाता है। और ये रहा धनिया, हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ। मैं धनिया थोड़ा इधर रख रही हूँ, मे बी इसमें वाटर होगा क्योंकि ये वॉश किया हुआ है। और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, अवॉइड करते हैं हम, तो हम इसमें ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट वो डालेंगे। और इसमें पड़ सकती है सौंफ, तो सौंफ पड़ेगी, हींग पड़ेगी, सॉल्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल के फिर दिखाती हूँ आपको। तो मैंने अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है और धनिया डाला है, थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, ये तो मार्केट वाली हींग है, ओरिजिनल तो नहीं है। और साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये धनिया जो है, ये थोड़ा सा कूट के डालेंगे 10-15 जितना। और हल्की सी सौंफ भी है जो मैं डालूँगी हल्का सा कूट के। ये देखिए हल्का हल्का मैंने कूट लिया इसको, अब ये डाल देंगे। और इसमें डालेंगे सॉल्ट, तो कुछ इस तरह से देखिए बैटर लाइट हो गया, मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है। और मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑरेंज जूस फाइनली। हेलो एवरीवन, तो देखिए कांजी वड़ा कुछ इस टाइप का मैंने इस बार बनाया है। मैंने इस बार पतले पतले कांजी वड़ा ना बना के, वड़ा ना बना के मैंने राउंड शेप वाला बनाया, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत कम टाइम लेते हैं। और मैंने बनाई है थोड़ी सी मठरी, और ये मैंने गेहूं के आटे की बनाई है, इसमें मैदा नहीं डाला है। थोड़े से प्राइम्स फ्राई किए हैं और मैंने ये चूड़ा मिक्स नमकीन पूरा बनाया है, ये वाला, जिसमें नायलोन पोहा, पीनट्स और बनाना चिप्स, ये सारी नमकीन वगैरह डाल के, करी पत्ता डाल के मैंने बनाया है ये वाला। एंड इसमें वो भी पफ राइस भी है, तो ये खाने का मन हो दोपहर वगैरह में भूख लग जाए तो उसके लिए बेस्ट है। और थोड़े से मैंने दाल मखाने भी रोस्ट किए, वो इसलिए मैंने रखा है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ, दिखाती हूँ आप सबको, गुजिया बनाने जा रही हूँ, जो कि ये जो मैंने फिलिंग बनाई है विदाउट मावा वाली है। इसमें सूजी को मैंने अच्छे तरह से घी में अच्छे से भुना है, काफ़ी आधे घंटे तक भुना एकदम धीमी आंच में।
उसमें रोस्ट करके नारियल डाला है मैंने, क्योंकि मेरा नारियल फ्रेश वाला था, और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स एकदम क्रश करके अच्छे से डाले हैं, और किशमिश को कट करके डाला है, इलायची पाउडर डाला है, और जब वो सूजी भुन गई थी तो उसके बाद उसमें मैंने 1 कप जितना दूध डाला था और 1 कप जितनी हाफ कप जितनी मलाई डाली थी, ताकि इसका टेक्सचर अच्छा है। और इसमें मैंने शुगर जब सूजी रोस्ट हो गई थी तभी डाल दिया था। तो ऐसा स्टार्टिंग ऐसी हुई थी कि घी और सूजी को हमने अच्छे से भुना, उसके बाद मैंने शुगर ऐड की। 1 कप जितनी सूजी थी तो 1 कप जितनी मैंने शुगर ली थी, उससे थोड़ी ज़्यादा ही ली थी। फिर मैंने दूध और मलाई डाल के उसको अच्छे से पकाया। उसके बाद इसमें हमने नारियल डाला जो हमने रोस्ट किया था, फिर सारे ड्राई फ्रूट्स डाले। तो इस टाइप का देखिए फिलिंग बन के रेडी हुआ, और ये ठंडी हो रही है। इसके बाद मैं इसको जो मैंने मैदा इसलिए लेना पड़ा मुझे क्योंकि गेहूं के आटे में इस बहुत कुरकुरी नहीं बनती है। मैंने लास्ट टाइम बनाया था, मेरा पूरा ख़राब हो गया था बिकॉज़ वो बहुत सॉफ्ट हो गया था। तो ये देखिए मैंने मैदे के थोड़ा सा आटा में लगाया है, और इसका मैं बनाऊंगी गुजिया। इसमें मैंने अच्छे से मोयन दिया है ताकि, और इसको गीले कपड़े में लपेट के रखा है। मोयन इसलिए अच्छे से दिया है ताकि ये कुरकुरा बने। मैं नहीं चाहती कि थोड़ी सी चीज़ बनाओ वो भी परफेक्ट ना हो। तो चलिए इसको फीलिंग स्टार्ट करती हूँ मैं बैठ के, बिकॉज़ मैं सुबह से खड़ी हूँ 3-4 घंटे से सारी चीज़ें रेडी करने में, और भी 3-4 आइटम मेरा बनाने का मन है। अभी इतना बना के फिर मैं देखती हूँ, जैसी एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी। तो मैंने गुजिया सारी स्टफ़ कर ली है कुछ इस तरह से, देखिए मैंने फोल्ड किया है, और थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, और मैं देखती हूँ इसका क्या यूज़ करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गुजिया फ्राई होना स्टार्ट हो गई है, और फ्राई करके इसका कलर कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए तो बहुत ही अच्छी गुजिया बनी है, फट भी नहीं रही है बिल्कुल भी। तो होली में एक ये चीज़ है जो हमें बनानी होती है, और बच्चों को बहुत पसंद आती है। देखिए हमारी गुजिया जो है जो बनके एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखिए अच्छे से पक गई, इसको मैंने बहुत ही धीमी आंच में पकाया है, और ये लगभग इतना बना है, और इसमें 4 to 5 पीस और फ्राई हो रहा है, वो डालूंगी। तो एक बॉक्स पूरा भर के गुजिया भी रेडी है। अब कल देखते हैं कल क्या बनाती हूँ, कल कुछ बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ देखते हैं। बिकॉज सूखा नाश्ता टाइप तो थोड़ा बहुत हो गया है, और होली का स्पेशल कुछ वेजीज या रोटी वगैरह कुछ बनाना हुआ स्पेशल भोग लगाने के लिए, तो वो होलिका दहन वाले दिन बनाऊंगी। बिकॉज होली खेलने, होली जो कलर वाली होती है उस दिन तो हम लोग सारा दिन बाहर है, तो उस दिन फूड का कुछ काम नहीं रहेगा मुझे। तो मैं सोच रही कुछ ऐसा बनाऊँ कि होलिका दहन वाले दिन बनाऊँ सेम डे, और सेम डे ही फ्रेश कंज्यूम हो जाए, स्टोर करके रखने की ज़रूरत ना पड़े मुझे, क्योंकि गुजिया बन गया, ये सब सूखा नाश्ता तो है ही। एंड सूखा नाश्ता थोड़ा सा बस शक्कर शक्कर पारे टाइप के और नमकीन पारे होते ना, वो दोनों मेरा नहीं बना है, और होगा तो कल बनाऊँगी। तो ये थी आज का व्लॉग, और ये मैं आज ही अपलोड कर दूँगी एडिट करके, और रेसिपी मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत कुछ बनाना था, और वीडियो शूट करना होता है तो टाइम चाहिए ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट ज़्यादा नहीं किया, छोटा छोटा क्लिप किया है। एंड इजी सारी रेसिपीज़ है जो जनरली सब घरों में बनती है, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो और ये सारी चीज़ें बनाना जो करना, ये सब में एक्चुअल में ऑयल बहुत लगता है, फ्राइड फूड होता है, तो थोड़ा वही है कि फेस्टिव सीजन में बनाया जाता है, अदरवाइज ऐसे तो बनाया नहीं जाता। तो वही थी आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, जिसमें है होली स्पेशल छोटा छोटा क्लिप नाश्तों का, और थोड़ी बहुत चीज़ें ही बनी हैं, ज़्यादा मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, होगा तो कल और कुछ बनाऊँगी। तो एंड करते हैं व्लॉग यहाँ पे, और आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज मैंने थोड़ा फ्रूट्स का जूस लिया था ऑटोफेजी के लिए, एंड थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाए भी थे क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई थी। तो अभी ऑटोफेजी में जो है प्रॉपर फूड धीरे धीरे चालू होगा, तो ये सारी चीज़ें जो अलाउड की डॉक्टर में वो सारी चीज़ें खा रही हूँ, और जैसा होगा मैं बताऊँगी, और जिस हिसाब से मेरा वेट लॉस एंड ऑल होगा वो उसका पूरा वीडियो अलग से मैं अपडेट करूँगी आप सबको।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।